हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाज़िड देखने वाले। आइसोनियाज़िड स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ पायरीडीन रिंग, सीओ ग्रुप एंड NH-NH2 ग्रुप यानी हाइड्रोजन ग्रुप। तो हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल देखते हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाज़िड के लिए। पहले तो स्टार्टिंग मटेरियल है सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाज़िड के लिए 4-methylpyridine, यानी ये पायरीडीन रिंग बन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 4-methylpyridine। इसे हम लोग 4-picolin भी बोल सकते हैं। ये रिंग का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ KMnO4, तो हमें आइसोनिकोटिनिक एसिड मिलेगा। इस आइसोनिकोटिनिक एसिड को हम लोग इस्टरिफिकेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें इथाइल पायरीडीन 4-carboxylate मिलेगा। और फाइनली अभी स्ट्रक्चर में बचा क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, तो हम लोग फाइनली हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड करेंगे। और C2H5O और ये H बाहर निकल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।